आज हम डायरेक्टर नईम अहमद साहब के पास आए हैं, जो कि कई मूवीज कर चुके हैं, कई न्यू फ्रेशर्स एक्टर्स को मौका दिया है। आइए कुछ पूछताछ करते हैं कि किस तरीके से ये अपना करियर स्टार्ट करें हैं। जी नईम सर, आपका मतलब पहला मूवी कब? फर्स्ट मूवी भी मैं एज ए डायरेक्टर जी क्रिश हैदराबाद किया मैं। उसके बाद मेरी सेकंड फिल्म आई सबका दिल खुश हुआ, जो फर्स्ट थिएटरिकल मूवी थी मेरे लिए। तो इसको प्रोड्यूस किया था अब्दुल खदीर साहब, जो नए इंडस्ट्री में कदम जमाया था। एज ए प्रोड्यूसर उन्होंने एंट्री ली और एज ए मेन विलन का कैरेक्टर में वो एंट्री ली। और उसमें मैंने और एक कैरेक्टर है जो हीरोइन का जो कैरेक्टर था मेरीना, जिसको मैंने ब्रेक दिए जी। अरशद नवाब है और मूवी की अंडर द बैनर ऑफ नासा फिल्म, जिसके प्रोड्यूसर थे कबीर साहब थे जी। फिल्म का नाम कहकशां है जी। ये फिल्म बन के आओ तू, रात बन के आ जा मेरे। मैंने बनाई 2017 में रिलीज हुई जी। और इस फिल्म की कुछ शूट जो है ना US में पिक्चराइज की, हम शूट किए समझिए। फिल्म अच्छी थी, एक फैमिली एंटरटेनमेंट थी। समझा? अगर तो रिकवरी नहीं करी तो हिट कहाँ से होगी? पिक्चर आप चला रहे हैं जबरदस्ती थिएटर में डालकर, वो बेमायने हैं, ऑटोमेटिकली मालूम हो जाता है ना सर तो क्या है फिल्म। तो इसकी वजह से हम लोग ज्यादा वेब सीरीज के ऊपर मैं ध्यान दे रहा हूँ जी। मेरे दो फिल्में थिएटरिकल बहुत जल्द स्टार्ट होने वाले हैं जी। स्टार्ट तो 2 महीने पहले ही होने वाली थी, मैंने रोका इसलिए कि मेरी एक वेब सीरीज कंप्लीट करना ज़रूरी है। दूसरा एक प्रोजेक्ट जो स्टार्ट होने वाला है, जो कबीर भाई प्रोड्यूस कर रहे हैं जी, जो ऑलरेडी कहकशां मूवी को प्रोड्यूस किया था, इसके उनके साथ एक अच्छा प्रोजेक्ट है, उसके ऊपर वर्कआउट ऑलमोस्ट हो चुका है, वो जल्द स्टार्ट हो जाएगा। मतलब हम हर चीज़ को देखते हुए, कहीं आर्टिस्ट वगैरह हैं तो उनका रवैया आप लोग के साथ मतलब कैसा रहता है? मतलब देखिए जो टू बी हॉनेस्टली एक बात बोलूँ मैं, हैदराबाद में कुछ आर्टिस्ट को छोड़कर बहुत सारे आर्टिस्ट ऐसे हैं जो अभी भी जो है ना प्रोफेशनलिज्म को नहीं अपनाए पूरी तरह से। अच्छा जी जी, तो वो बहुत कमी है यहाँ पर, क्योंकि जब तक वो नहीं आएगा कि डेवलपमेंट्स ना आर्टिस्ट को होगा। ये जो आपके मतलब गुलदारा साहब हैं और मतलब क्या नाम है हमारे उनके साथ स्टार्ट होने वाली है अजब तमाशा। मतलब कब स्टार्ट हो जाएंगे उसका अंदाजा अभी नहीं है। अच्छा, मैं आपको बताया ना कि मार्केट की हालत बहुत खराब है। देखिए भले सामने वाला कुछ भी बोलने दो, मगर अंदर की बात है मार्केट की हालत बहुत खराब है। अच्छे से अच्छे पिक्चर पिट जा रहे बहुत बुरी तरीके से, अब उसका रीज़न क्या है समझ में नहीं आ रहा। तो उसी वजह से वो एक वजह है जो रोक के रखे हैं। तो मतलब कितना समय लगेगा इसको रिलीज़ होने के लिए? देखिए पिक्चर बनने के लिए 3 महीने लगते हैं शूटिंग पार्ट जी, उसके बाद कम से कम 4-6 महीने उसके ऊपर पोस्ट प्रोडक्शन के लिए टाइम लगता है, क्योंकि देखिए उसका हर एक स्टेज है, वो होते हुए करते हुए जाना पड़ता है। फिर अब रिलीज़ का एक मसला, सबसे बड़ा रिलीज़ का मसला हैदराबाद में जी। एक तो हैदराबादी मूवीज़ को थिएटर नहीं मिलते, दूसरी बात हैदराबादी थिएटर को कोई डिस्ट्रीब्यूटर ख़रीदता नहीं, प्रोड्यूसर इतना पैसा लगाता है, फिर उसको थिएटर का रेंट देना पड़ता है, फिर उसको हर चीज़ का उसके ऊपर ही दारोमदार है, उसके ऊपर ही मुनासिर है हर चीज़। तो वहाँ पर आकर प्रोड्यूसर लास्ट मोमेंट पर अगर अपने आप को डाउनफॉल में आ जाएगा तो उसको थिएटर्स नहीं मिली तो रिलीज़ कहाँ से करेगा? क्योंकि देखिए बॉलीवुड की हर पिक्चर तो हिट नहीं होती, हिट नहीं होती बिल्कुल, हाँ वो भी पिक्चर है पिट रहे हैं पिट। तो लोग समझते नहीं है कि हर चीज़ को कुछ होता है तो हैदराबादी फिल्मों के ऊपर ब्लेम करते हैं, अरे यार कौन देखेगा, तुम थिएटर में तो दियो दो तो सही पहले, उसके बाद आपको अंदाज़ा लगेगा कि पिक्चर चलेगी चलेगी। तो अब ये कॉमेडी मूवीज़ के अलावा अगर कोई एक्शन मूवीज़ अगर आपको मतलब करने का मौका मिला तो
नहीं उसके लिए अभी हम लोग तैयार नहीं हुए एक्शन मूवी बनाने के लिए जी। क्यों, इसका रीज़न क्या है? मतलब अगर हम लोग कोई एक्शन मूवी बनाएंगे तो हम लोग क्या करेंगे, उसको बॉलीवुड या टॉलीवुड के मूवी से कंपेयर करें। तो वो करने से क्या हो जाएगा, क्योंकि बॉलीवुड टॉलीवुड में करोड़ ऑफ रुपीज़ लगाते हैं एक्शन मूवीज के लिए, करोड़ों रुपये लगाते हैं, और हमारी हैदराबादी पिक्चर है क्या है, लाखों में भी नहीं है, लाखों में है सब जी, मतलब करोड़ तक भी पार नहीं कर सकते, तो हम वो एक्शन नहीं दे सकते भाई। हमारा मकसद क्या है, एक अच्छी मूवी देना। देखिए कई साफ सुथरे मूवीज आए रिसेंटली, हम उनका नाम नहीं लेना चाह रहे, मगर नहीं चल पा रहे, पूरी कोशिश करें मगर नहीं चल रहे। अब देखिए अब ऐसे टाइम पे क्या 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 बेस पे एक्शन बनाएंगे, बोलिए एक्शन क्या कम बने हुए हैं टॉलीवुड में बॉलीवुड में, जो अब हैदराबादी पिक्चर में एक्शन चलेगी नहीं होगा वो, क्योंकि इसकी रीज़न क्या है, आपको कंपेरिजन ज़्यादा हो जाता है। नहीं वैसे भी मतलब पूरे इंडिया में हैदराबादी लैंग्वेज को ना बहुत ही अच्छी तरीके से अब समझा जा रहा है, मतलब कॉमेडी के जरिए, मतलब ये मूवीज़ जो निकले हैं कॉमेडीज़ के, तो इसके जरिए अब हैदराबादी मतलब पूरा टोटल इंडिया में फेमस हो चुका है, नॉट इन टोटल इंडिया है। छोटे स्क्रीन के लिए जैसा यूट्यूब है जी, उससे हटके और दूसरे प्लेटफॉर्म है उसके लिए ठीक है, लोग क्या है टाइम पास करने के लिए, अपना वक्त को टाइम पास करने के लिए थोड़ा सा वो देख के हंसी मजाक करने के लिए देखा है जी। अगर वैसा रहता तो फिर आज हैदराबाद में जो मूवी बनते फिर हैदराबाद के बाहर रिलीज क्यों नहीं होते जी जी। अगर वैसा रहा तो फिर डिस्ट्रीब्यूटर आना ना भाई सामने कि भाई आपकी पिक्चर की वैल्यू ज़्यादा है पूरे वर्ल्ड वाइड में, फिर हैदराबाद से हट के फिर बाहर तक क्यों नहीं जा रही पिक्चर, नहीं है उसका। हम लोग बोलते हैं ऐसा भाई हमारी लैंग्वेज क्या है, मतलब क्या किस बेस पे है भैया, हंसी मजाक के लिए यूज़ हो रहा ज़्यादा ना चाहिए, ज़्यादा कॉमेडीज वगैरह के लिए, तो वो हिसाब से छोटे स्क्रीन के लिए ठीक है, मगर बड़े स्क्रीन में आने के बाद प्रॉब्लम हो रहा है ना पूरा। मतलब जो आपके आर्टिस्ट रह चुके हैं तो उनके लिए क्या मैसेज है आपके लिए, और जो अपने प्रोड्यूसर्स वगैरह हैं उनके लिए क्या मैसेज है? देखिए सबसे पहले मैं आर्टिस्टों में मेरे तरफ से मैसेज ये देना चाह रहा हूँ कि आप पहले सबसे पहले सिंसियर रहिए, आप काम को लेकर सीरियस रहिए जी जी। आप जहाँ पर काम कर रहे हैं उनके साथ एक अच्छे बर्ताव में रहिए। देखिए काम कुछ जगहों पर एक चीज़ एग्जाम्पल होती है, एक चाय 10 रुपये में मिलती है, एक चाय आप ताज कृष्णा में बैठेंगे तो 100 रुपये में मिलती है, फिर उससे हटके और आप कहीं इंडिया के बाहर वॉट एवर जो भी 5 स्टार मिलेंगे, तो हर चीज़ का एक अलग 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 है। तो इनका जो काम है, कुछ आर्टिस्ट इतने मतलब अनमैच्योर है, आपका काम देखेंगे सामने वाले पे बोलेंगे अरे वो क्या काम कर रहा है, फिर उसको बोलेंगे अरे वो क्या काम कर रहा है, वो उसका सेटअप ऐसा है इसका। तो मैं कुछ आर्टिस्ट नए आर्टिस्ट और हर आर्टिस्ट जो मैं तो कुछ अभी सीख रहा हूँ, मैं किसी को कुछ बोलने के काबिलियत मेरे में नहीं है, तो नहीं बता रहा हूँ मैं, जो फैक्ट है बता रहा हूँ मैं, अभी हम लोग सीख रहे हैं, क्योंकि ये फिल्म इंडस्ट्री का समंदर है, समंदर इसमें जितना भी करेंगे उतना ही कम है, कह रहे हैं मैं उतना कम है। हाँ कोई यहाँ पर कम्प्लीट नहीं है, आप कोई भी डायरेक्टर की हिस्ट्री निकाल के देख लो स्टार्टिंग में क्या करा। अब बास लोग ऐसा बोलते हैं भाई फलाना डायरेक्टर देखो इतने पिक्चर हिट दिया, ठीक है दिया, मगर उससे पहले कितने फ्लॉप दिया वो भी तो देखो, अभी तो देखो बिल्कुल, और आप जब फिल्में दिया तो कितने लैक्स के कितने बड़े बड़े बजट के पिक्चरों को फ्लॉप दे के पिक्चरें दिया जी जी। वो कुछ कुछ लोग क्या है सिक्के के दो पहलू रहते हैं, सिर्फ एक तरफ देख के बात, एक तरफ देख के बात। तो मैं नए आर्टिस्टों से ये कहूँगा कि भाई एक तो आप सिंसियर रहिए, एक तो आप टाइम टेबल फॉलो कीजिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात है, और आप जहाँ पर जिसके साथ काम कर रहे हैं उसको रेस्पेक्ट दीजिए भाई। हर एक की पर्सनल लाइफ अलग है, वो पर्सनल लाइफ में क्या काम करता है वो आपसे कोई लेना देना नहीं है, आप काम की इज्जत कीजिए, काम आपके पास आएगा। देखिए इंडस्ट्री ऐसा रिलेशन पे डिपेंड है, थोड़ा रिलेशन जितना अच्छा रहेंगे साथ में उतना ही अच्छा रहेगा, क्योंकि हर चीज कोई भी इंडस्ट्री ले लो रिलेशन पे डिपेंड करता है, किसी की टांग ना खींचे कोई, मतलब बस किसी की बुराई कर रहा है भाई, क्या खींचने का है इंडस्ट्री इतनी, बनते थोड़े पिक्चर उसमें कौन किसको टांग खींचेगा, चलने वाले 2-3 आर्टिस्ट वो भी चले चले नहीं चले नहीं चले वो हालत हो गया। तो ये है, तो प्रोड्यूसरों को भी ये मतलब प्रोड्यूसरों से भी ये मेरा कहना है कि भाई आप जितने बजट की मूवी बना रहे आप सबको उतना ही बजट बोलिए, आप ये रुपया खर्चा करते 10 रुपये की पब्लिसिटी करते बाहर, तो उसमें क्या होता है डायरेक्टर को भी ब्लेम आया, अरे भाई ये इतना पैसा कैसा लगा,
और कोई प्रोड्यूसर ऐसे प्रोड्यूसर्स है सिर्फ नाम पे आने के लिए अपने आप को प्रोड्यूसर साबित करने के लिए कोशिश करते हैं और है तो कुछ नहीं हो मतलब कि ये ज़रूरी नहीं है। देखिए क्या है इसके लिए क्या बोलता हूँ मतलब एक स्टैंडर्ड लेवल मेंटेन करो, आप किससे कैसी बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं। और जो है ना मैं प्रोड्यूसरों को खास प्रोड्यूसरों को मतलब मैसेज इसलिए दे रहा हूँ भाई कि आप एक अच्छा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं आप, ठीक है, और उसको आप आगे तक ले जाओ। फिल्म बनाना है बड़ी बात नहीं है, फिल्म को रिलीज करना इम्पोर्टेंट है, फिल्म को 2-3 हफ्ते चलाना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अब यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है ना कोई खरीदने वाला है, तो इसकी जिम्मेदारी प्रोड्यूसर की है, तो करेंगे तो पब्लिक में आएगी ना, क्योंकि पब्लिसिटी के लिए पैसा खर्चा नहीं होता अपने पास, क्योंकि जब तक रहता नहीं पैसा फिल्म मेकिंग में चलेगा। और क्या है फिल्म का बजट 19-20 होते रहता है, कभी नीचे चले जाता है, नीचे तो जाता नहीं हमेशा, अब हर व्यक्ति को तो पता नहीं चलता ना भाई जी, तो कुछ ऐसे मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाते हैं बस प्रोड्यूसर से, तो वही प्रोड्यूसर से वही रिक्वेस्ट है मेरी कि भाई आप लोग एक अच्छी सोच के साथ एक काम कीजिए, ये भी एक बिजनेस है, बिजनेस देखो मगर इसमें क्या है बोले तो फिल्म इंडस्ट्री का बिजनेस ऐसा है, अगर आप आपको 2 घंटे में आपको उसका रिजल्ट आ जाता कि भाई आपकी पिक्चर फ्लॉप हो गई या हिट हो गई, फ्लॉप हो गई तो आप पूरे अंदर हो गए, हिट हो गए तो आप ऊपर आ गए, ठीक है। ऐसे कई बिजनेसेस है जो सालों से अंदर होते हैं मगर मालूम नहीं चलता, क्यों नहीं मालूम चलता है कि वो टाइम ऐसा रहता है, समझिए एक एग्जाम्पल, एक शोरूम चल रहा है समझिए कोई भी बहुत बड़ा शोरूम है जी, बड़े से बड़े शोरूम में करोड़ों रुपए लग जाते हैं, बट आप देखो कस्टमर ही नहीं रहता, वो लोग इधर से ला के उधर से ला के ऐसा ऐसा करके दुकान को चला करते हैं, लोग क्या समझते हैं अरे भाई चल रहा हूँ चल रहा, मगर वैसा नहीं रहता जी, उसमें भी नफा नुकसान है इसमें भी नफा नुकसान है, और इसमें क्या है अगर कुछ हो गया तो डायरेक्टर पर ब्लेम डायरेक्टर पर आ जाता है। ज़रा देखो भाई ब्लेम करने की जरूरत ही नहीं है, आप कुछ सामने रहते हैं हर चीज मारा छोटे बच्चे हैं सामने में ब्लेम कर रहे हैं आप, तो कुछ नॉनसेंस मतलब सोच रखते हो डिपेंड करता समझे वैसा। तो अभी जो अभी वेब के जो मतलब जो सोचे हैं तो वो सक्सेस मतलब अभी क्या है कब से स्टार्ट होने वाला है? देखिए सक्सेस और फेलियर का कोई भी गारंटी नहीं दे सकते जी समझे, क्योंकि सक्सेस होना नहीं होना पब्लिक पे डिपेंड करता है, पब्लिक को क्या पसंद आ रहा कोई गारंटी नहीं दे सकता समझे, और पब्लिक को अब हम इसलिए गारंटी नहीं दे सकते क्योंकि पब्लिक क्या चाह रही पब्लिक को क्या चीज़ पसंद आ रही नहीं मालूम है, तो सिर्फ हमारा काम बनाना है, कामयाबी नहीं मिलती या नहीं मिलती वो पब्लिक के ऊपर डिपेंड करता है और अपनी किस्मत की बात है उसमें, बस काम करना है, हर कोई कामयाब तो नहीं हो सकता समझ गए ना। सलमान खान भी देखो आप उसकी भी हिस्ट्री देख लो, उन्हें भी एक पिक्चर हिट दिया तो दूसरी पिक्चर फ्लॉप हुआ, एक ये इंडस्ट्री है फिल्म इंडस्ट्री है, बड़े से बड़े का हाल ये है। अब भले सलमान खान बोलता होगा कि मैं 10 फिल्म बना 10 हिट है, पर सबको तो मालूम है ना कितने सेंस वाली बात है यार, जो कि हमारे लिए इतना टाइम निकाले आपका कीमती वक्त मतलब हमारे लिए दिए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि मीडिया का साथ बहुत ज़रूरी है हमें, क्योंकि मीडिया ही एक ऐसी एक प्लेटफॉर्म ऐसा है जो हमारी फिल्मों का एक आम लोगों तक ले जा सकती है और हमारी पिक्चरों के बारे में जो अच्छी अच्छी चीज़ें होती हैं उन तक पब्लिक तक पहुँचा। थैंक यू।